हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है जो अष्टांग हृदय है उसका कल्प सिद्धि स्थान। तो हमारे अष्टांग हृदय है जो उसमें स्थान का नाम क्या है, कल्प सिद्धि स्थान ऐसे करके। अष्टांग संग्रह की अगर हम बात करें, उन्होंने कल्प स्थान बोला है अलग से सिर्फ, ठीक है। अष्टांग हृदय में है कल्प सिद्धि, दोनों नाम लिखे हैं, एक ही स्थान है। और ये तो पहला इसमें है वमन कल्प के बारे में बताया। वमन कल्प में क्या है, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 नंबर श्लोक। सबसे पहले 1 नंबर श्लोक में देखिए, वमने मदनम श्रेष्ठ, वमन में मदन फल श्रेष्ठ है। त्रिवृत मूलम विरेचने, और त्रिवृत मूल है जो विरेचन के लिए उत्तम बोला गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब ये वमन में जो मदन फल लेना है वो किस तरीके का प्रयोग करना है ऐसा बताया गया। ऐसा हम चरक संहिता में पढ़ चुके हैं, वैसे तो हिंदी में हम देख सकते हैं, जैसे ग्रीष्म और वसंत की संधि के उत्तम दिनों में जो पांडु हो, मतलब ज़्यादा पके हुए ना हो, बहुत कच्चे नहीं होने चाहिए, उनको क्या करना है, धूल आदि से साफ कर कर कुशा से बनाई हुई जो डलियाँ उनमें रख देना है। फिर उसके ऊपर गोबर का लेप और किसी धान्य राशि में रख देना है। 8 दिन बाद, ये जो दिन बताए गए कितने, 8 दिन के बाद वो क्या कोमल हो जाएंगे, उनमें से प्रिय गंध आने लगेगी। फिर उनको धूप में सुखाना है। देन उनमें जो पिपली है, मतलब मदन फल की जो वो फल पिपली होती है, उसको निकाल कर दधि मधु घृत या तिल कल के साथ सुखा लेना है इनको, और फिर यूज़ कर रहे हैं उसका। तो ऐसी ही जो संग्रहण विधि है मदन फल की, वो हम चरक संहिता में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जल्दी से हमने देखा। नेक्स्ट, ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इसमें अलग से कुछ है नहीं ऐसा पढ़ने का। फिर द्वितीय अध्याय है विरेचन कल्प करके जो लिखा, इसमें आप देखिए 3 नंबर श्लोक में, 3 नंबर श्लोक हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए। निषोध का मूल 2 प्रकार का, एक श्याम जिसको श्यामा कहते, दूसरा अरुण जिसको त्रिवृत बोलते। तो श्यामा त्रिवृत, श्यामा अलग है, त्रिवृत अलग है, ठीक है। दोनों त्रिवृत मूलों में अरुण मूल श्रेष्ठ होती है हाईलाइट करना, क्योंकि ये उपद्रव रहित है, सुखकारी होती है, और जो कोमल प्रकृति वाले होते हैं, सुकुमार हैं, शिशु हैं, वृद्ध हैं या मृदु कोष्ठी, उनके लिए भी हितकर है अरुण वाली, तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना 21 नंबर श्लोक में अविपत्तिकर योग लिखा, हाईलाइट कर लीजिए इसको। अविपत्तिकर योग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें वियोश है, मतलब त्रिकटु है, त्रिजात है, उसके अलावा मुस्ता, वायविडंग, आंवला, ये सब लेना है। और इनके बराबर आपने क्या लेनी है, निशोथ लेनी है, ठीक है, और शर्करा मिला के मधु के साथ मिक्स करके गोलियाँ बना लेनी है। फिर ये यूज़ किस में होगा, देखिए 23 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड हाईलाइट करना, प्रशस्तम पित्त रोगिणा, जो पित्त रोगी हैं उनके लिए प्रशस्त बताया गया है ये। आप लिखिए पेज के बॉटम पर अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, भेषज रत्नावली अम्ल पित्त रोगाधिकार। भेषज रत्नावली ने अम्ल पित्त में, मतलब अम्ल पित्त रोगाधिकार में बताया है अविपत्तिकर चूर्ण को। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है, ये 2nd नंबर चैप्टर है, कंप्लीट होता है। 3rd है हमारा वमन विरेचन व्यापत सिद्धि। उसके बाद यहाँ पे हमारा है वमन विरेचन व्यापत सिद्धि में इतना कुछ है नहीं ऐसा पढ़ने को, जैसा कि हमने बताया कि हम चरक संहिता में उसको डिटेल में पढ़ते हैं। आप देखिए श्लोक नंबर 21 और 22 में, 21 और 22 यहाँ पे क्या बोला गया, वातग्न मृदु निरहु बस्ती कौन सी होती है वो बताएगी। तो यहाँ पे ये हमारी प्राश्रित बस्तियाँ स्टार्ट होती हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग, सॉरी वाग्वट के अकॉर्डिंग। पहले वातग्न है, फिर पित्तग्न है, फिर कफग्न। शुक्र कारक बस्तियों में आप आइए, शुक्र कारक बस्तियाँ श्लोक नंबर 25 में क्या बोला है, पयस्य इक्षु स्थिरा स्थिरा रासना विदारी क्षोद्र सर्पिशाम एक एक प्राश्रितिको वस्ती कृष्णा कलको वृषत्व कृत। आपने शीर विदारी, पयस्सा लेनी, इक्षु लेनी है, स्थिरा यानी शाल परणी, रासना विदारी, इनका क्वाथ मिला लेना है, ठीक है। फिर उसमें
एक एक प्रश्चित लेनी है ये सबका, तो ये पांच चीजें होंगी, तो पांच प्रश्चित। फिर उसमें क्या किया है आपने, मधु और घृत मिलाया है और पिपली का कल्क मिलाया, कृष्णा मीन्स पिपली का कल्क मिला दिया, तो ये शुक्र कारक बस्ती यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे है यापना बस्ती, 29 में देखिए, 29 नंबर श्लोक में यापना बस्ती बताई गई है। फिर देखिए 31 में, जस्ट अंडरलाइन करना है नाम को, युक्त रस्त बस्ती है 31 में, युक्त रत्त बस्ती मतलब एरंड मूल क्वाथ मधु तेल सैंधव पिपली मदनफल इनको मिला के युक्त रस्त बस्ती, मतलब वक्तव्य में देखिए क्या लिखा है, रथेशु अपि ही युक्तेशु हस्तेक्षेपु योजित यस्मात् न प्रतिषिद्धतो अयम इति युक्त रथ, यानी रथ में भी जो दी जा सकती है, ट्रैवलिंग के टाइम पे भी जो आप दे सकते हो वो युक्त रथ बस्ती है। नेक्स्ट आप देखिए श्लोक नंबर 45 और 46 में, यहाँ पे बताई बल वीर्य वर्धक बस्ती, तो जो मयूर बस्ती इसको आप बोल सकते हो, तो मयूर है जो उसके पंख उसके पित्त आंत्र पैर मल चौंच इनको निकाल कर दशपल लेना है, फिर लघु पंचमूल के साथ मिक्स करके मतलब बस्ती के रूप में इसको बना देना, तो ये बस्ती क्या हो बोलिए 46 के नीचे एक लाइन है उसको हाईलाइट करना, बस्तिर इशय पटु युतम परम बल शुक्रकृतम, मतलब अगर इसमें पटु मतलब नमक के लिए बोलते हैं, तो अगर इसमें नमक आप मिला दो ईशत थोड़ी मात्रा में, तो ये बस्ती जो ऊपर बताई इसके कंटेंट, ये बस्ती अतिशय बल कारक और शुक्र कारक हो जाती है, ठीक है, क्या उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करने पर। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग 602 पेज नंबर है जो, वहाँ पे है गोधा आदि मास से बस्ती, अगर देंगे गोधा आदि मास की बस्ती, हेडिंग को बॉक्स में बंद करके और 52 का लास्ट वर्ड हाईलाइट करना, वाजी कर्णम उत्तमम, वाजी कर्ण बताइए उत्तम वाजी कर्ण गोधा आदि मास से बस्ती। नेक्स्ट है हमारा पांचवा अध्याय बस्ती व्यापक सिद्धि, इसमें आप देखिए 28 नंबर श्लोक में, जहाँ पे 28 नंबर श्लोक लिखा है ना उसके आगे थोड़ा सा स्पेस है, वहीं पे लिखना चरक सिद्धि, चरक सिद्धि एरो करके लिखना, स्नेह बस्ती षड आपद, स्नेह बस्ती के छह व्यापद बताए आचार्य चरक ने, अष्टांग संग्रह बोलते हैं स्नेह बस्ती के आठ व्यापद और अष्टांग हृदय है वो पांच बोलते हैं, तीनों के अकॉर्डिंग आपने लिखा आचार्य चरक क्या बोलते हैं, स्नेह बस्ती के छह व्यापद, अष्टांग संग्रह बोलते हैं आठ, यानी वागवट के अकॉर्डिंग पूछे तो आठ, अगर मेंशन हो अष्टांग हृदय ने तो पांच बोलेंगे आप, स्नेह बस्ती के पांच व्यापद इन्होंने बताए, वो है 29 नंबर श्लोक में लिखे हुए हैं पांच स्नेह बस्ती के व्यापद, अधिक वात में अगर शीतल बस्ती दे दें अल्प मात्रा में दो, पित्त में अगर उष्ण ज्यादा दे दो, कफ में मृदु, अति भोजन करने पर गुरु और मल के संचय पे अल्प बल वाली दे दो, तो वात पित्त कफ भोजन और मल इनसे आवृत हो जाएगी और वो वापिस नहीं आती, तो इनसे आवृत अगर बस्ती हो जाए तो इनके जैसे लक्षण आएंगे ऐसा कहा गया। फिर आप देखिए 43 नंबर श्लोक के नीचे जो हिंदी लिखी हुई है उसमें फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन करना, बिना भोजन के या गुद में शोथ होने पर जो है वो आपने, या केवल पेय का ही भोजन करने पर गुदा में दिया हुआ स्नेह रुकावट न होने से वेग के साथ ऊपर की ओर शरीर में दौड़ता है और शरीर के जो गले के छिद्र होते हैं उनमें से स्नेह बाहर आने लगता है, तो इसके नीचे देखना 44 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, आम दत्त स्नेह, आम दत्त स्नेह बोलो या फिर अपक्व स्नेह युक्त व्यापद बोलो आप, यानी स्नेह जो आपने सिद्ध किया है वो पक्व नहीं है तो उससे क्या व्यापद हो सकते हैं, हिंदी में देखना अनुवासन में अपक्व तेल नहीं देना चाहिए, यह तेल गुदा को लिप्त कर देता है और इससे वेदना मोह कंडू शोफ आदि होंगे, इसमें अगर आपने दे भी दिया तो क्या करें, तीक्ष्ण वस्तियां या आग का पत्ता मीन्स अर्क होता है जो अर्क के पत्ते से पका हुआ तेल बस्ती देनी चाहिए, यानी एक तरह से अनुवासन बस्ती ही है ये भी लेकिन तीक्ष्ण देनी है आपने, ठीक है, और अर्क से सिद्ध किए हुए तेल से दे, आपने हाईलाइट किया आम दत्त स्नेह है या अपक्व अगर आप स्नेह यूज कर भी लो तो उसके व्यापद के लिए ट्रीट करने के लिए आप तीक्ष्ण वस्तियां देती हो या अर्क पत्र से सिद्ध की हुई जो तेल बस्ती है वो। नेक्स्ट है हमारा 6th चैप्टर द्रव्य कल्प, ठीक है, यहाँ पे कषाय कल्पनाओं का वर्णन किया गया, हाईलाइट करके लिखना कषाय कल्पनाओं का वर्णन, तो सबसे पहले 8 नंबर श्लोक में देखिए
श्लोक नंबर 8 यहाँ पे क्या बोला, कषाय योनिश्च पंच रसा लवण वर्जिता को आपने हाईलाइट किया, लवण को छोड़ के बाकी जितने भी रस हैं उन सब की कषाय योनि होती है, हमें पता है। ठीक है, क्यों नहीं होती लवण की, क्योंकि लवण को आप और योनियों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब जैसे क्वाथ नहीं आप बना सक रहे लवण का, कल्क फॉर्म में नहीं यूज कर, मतलब अकेले लवण को, ऐसा बात बताया गया है। ठीक है, तो लवण को छोड़ के बाकी सारे जो रस हैं उनकी कषाय योनि होती है। कौन कौन सी, 8 नंबर श्लोक में सेकंड लाइन में देखिए, रस कल्क शित शित फांटस चेती, रस पे आप स्टार लिखिए और लगा के लिखिए मैक्सिमम बलवान, जो रस है वो सबसे ज्यादा बलवान होता है, उत्तरोत्तरीय लघु होते जाते हैं, मतलब रस स्वरस से थोड़ा कम होता है कल्क, कल्क से थोड़ा कम क्वाथ, क्वाथ से थोड़ा कम एफिकेसी वाला शीत, शीत से कम वाला होता है फांट, तो फांट पे स्टार लगा के लिखा आपने सबसे कम बलवान होता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाली लाइन में देखिए क्या लिखा है, पंच देव कषायम पूर्वम पूर्वम बलाधिकम, पूर्व पूर्व बलाधिक्य वाले होते हैं, इन्होंने उल्टा बोल दिया, मतलब फांट से ज्यादा बलवान शीत है, शीत से ज्यादा श्रित, श्रित से कल्क, कल्क से रस, तो यानी स्वरस सबसे मैक्सिमम बलवान है, फांट सबसे कम बलवान है, ऐसा। उसके बाद हमारा बोला गया है यहाँ पे देखिए पेज नंबर 610 पेज नंबर पे बोला, स्वरस समुदिष्टो कल्क पिष्टो द्रवाप्लुतो चूर्णो अप्लुतो श्रित क्वाथो शीते रात्रि द्रवे स्थिते सद्यो अभिशूत पुत फांटो को हाईलाइट किया आपने। मतलब आपने क्या किया, अभी आपने कोई औषध ली उखाड़ी अभी तुरंत और उसको वस्त्र में डालकर दबा दिया, तो जो रस निकला उसको स्वरस बोलते हो आप। ठीक है, फिर उसको जो गीली औषध है, द्रव जो लिक्विड है थोड़ी सी, मतलब या सूखी है तो उसमें थोड़ा सा द्रव मिक्स करके आपने उसको पीसा, वो आपका कल्क बन गया। ठीक है, या बिना पीसे किया तो चूर्ण भी एक तरीके का कल्क का ही भेद होता है ऐसा। फिर अगर आपने उसको पका लिया, अग्नि का संयोग दिया, तो वो क्वाथ कहलाता है। और आपने क्या किया, जो द्रव रात्रि में भीग रहे, रात्रि भर भीगा रहता है, तो उसको शीत बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया, सद्यो अभिशूत पुतस्य फांटे है, मतलब जो द्रव द्रव्य में थोड़ी देर डालकर मृदु होने तक पुनः ही आपने छान लिया, वो आपका फांट कहलाता है। ठीक है, फांट कहलाता है, और फांट के लिए आप गर्म पानी का यूज करते हो। ठीक है, ये वक्तव्य में देखना, प्राय गर्म पानी में फांट बनाते हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 नंबर श्लोक में देखिए, 13 नंबर श्लोक हाईलाइट करना, स्वरस की मात्रा, स्वरस की जो मध्यम मात्रा है वो 4 पल कही गई है, स्वरस की मध्यम मात्रा 4 पल, चूर्ण या कल्क की एक कर्ष मात्रा को 3 पल द्रव में घोलना चाहिए ऐसा। तो कल्क की यानी एक कर्ष मात्रा, या चूर्ण भी एक कर्ष ही लेने को बोला है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर श्लोक की हेडिंग है हमारी, स्नेह पाक के 3 भेद, तो इम्पॉर्टेंट है ये पाकस्तु त्रिविधो, 3 तरह का पाक होता है, कौन सा, मंद चिक्कण और खर चिक्कण लिखिए यहाँ पे, खर चिक्कण है, स्वर नहीं, खर चिक्कण। तो मंद क्या है, मंद कल्क समय किट्टे चिकनो मदनोपमम, मतलब मंद में क्या होगा, जो मंद पाक हुआ है उसमें क्या होगा, जो कल्क समय जो स्नेह में जो किट है वो कल्क के समान उंगलियों पर ना चपटे, ऐसा जो आपने कल्क डाला है। फिर किट्टे चिकनो मदनोपमम, जब चिपट जाए, मदनोपमम बिल्कुल मृदु हो जाए, उंगलियों पर चिपकने लग जाए, तो यानी चिक्कण पाक हुआ है। और किंचित सिद्धति कृष्णे च वर्तिवत वर्तिवत अर्ती माने च पश्चिमा, और जो वर्ती के तरह बनके और फिर बाद में टूट जाए, ठीक है, कृष्ण वर्ण का हो, उसको हम खर चिक्कण बोलते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, 21 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, मृदु नस्य, मृदु जो है हमारा उस पाक का जो स्नेह है उसका नस्य में प्रयोग करते हैं, खरो अभ्यंगे खर का अभ्यंग में, और पानो वस्ते से चिक्कण, पान और पीने के लिए और बस्ती में चिक्कण का, यही हम चरक में भी पढ़ते हैं, मृदु मध्यम और खर पाक, तो मृदु हमें नस्त क्रियाशु, खरो अभ्यंग स्मृत, और मध्यम पान पानार्थो बस्ती च, ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है इसमें हमारा, तो ये हमारा जो 6 नंबर चैप्टर है कंप्लीट होता है,
तो ये हमारा जो अष्टांग हृदय है उसमें कल्प और सिद्धि स्थान, मतलब एक ही नाम है कल्प सिद्धि, तो वो कंप्लीट होता है जिसमें 6 चैप्टर हैं हमारे।